घंटे भर पहला आए तो नहीं होगा हॉस्टल में कई मदर टेरेसा स्कूल। हाँ तो वो उठे करवाने की मतलब है वो बता, वो के नौ रमजान करनी है बस यार। हम बंदे कॉपरेट भी करना चाहिए ठीक है, अगर एक बंदे कॉपरेट नहीं करी यार हम मेरे को रात पूरी करने कर दो इस रोज ना भाई ना दर्शन करने वही बताओ स्वामी को।
ਨਿਊ ਆਪ ਕੋਣ ਹੈ ਹਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਮੰਨੂ ਨਾ ਲਾਲੂ ਕੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਓ आयो तो रात्रि 10 बजे बंद करना आई जदे आयो बैठो तो जद मैं मारे लटकन बुलाया मैं बाहर निकालियो बाहर कमरे में गयो बस कोई से तो रात्रि 10 बजे आयो तो बस मैं हूं आई जाना तो पहले आयो तो कोता जदे वो छोरा ने लोग यो आया दो जना काडियो बाहर मैं बाहर गयो सुबह भीड़ भी हो गयो कौन बाहर निकालियो तो कमरे में बड़ बैठ रहे मंदिर रे महीना वो है ना शिव मुंडी वीर माथे शिवलिंग शिवलिंग पर कहना परेशान हो गया सांप नहीं परेशान कोई आयो ही कोने इन फसे मैं लड़कान बुलाया जो मैं बाहर निकालियो मंदिर में कल रात को मेरे मदर लॉक करने आए थे मंदिर तब देखा कि एक सांप बैठा था नंदी जी के पास घूम रहा था तो मदर ने आके मेरे को आवाज़ लगाई मैं घर पे खाना खा रहा था वापस आया तो मदर ने कहा कोई एक सांप घूम रहा है फिर मैं और मेरे ब्रदर आए मंदिर में देखा सांप वहाँ बैठा था हमने आगे सूचना दी पड़ोसियों को भाई यहाँ सांप बैठा है तो घर वालों पड़ोसियों ने और हमने भी ये सोचा कि आस्था के हिसाब से कल शिवरात्रि है इस हिसाब से स्वयंभू प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए हमने उनको थोड़ा सा लकड़ी से सहारे से किया तो वो वहाँ से बाहर से निकल के पास वाले रूम में जाके बैठ गया और रात्रि को हमने उस रूम का लॉक कर दिया कि रात को कैसे उसको निकालें सुबह हमने जब देखा तो वो अंदर ही बैठा था और सुबह फिर वापस हमने वन विभाग वालों को सूचना दी कि भाई यहाँ पर सांप बैठा है तो उन्होंने किसी एक आदमी को भेजा वो आदमी आया और दोपहर में 1:30-2 बजे इसको निकाल के वापस ले गया भीड़ बहुत ज़्यादा थी आस्था के हिसाब से लोग खूब आए और स्वयं महादेव के दर्शन किए।